गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और ये मैं आपको बुआड़ी बाजार का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बुआड़ी बाजार मेरा गांव है और ये देखिए बाहर बारिश का नज़ारा देखिए, ऊपर मेरा घर है। ये वीडियो अभी प्रकाश भाई के घर से बनाई जा रही है, वो सामने मेरा घर दिख रहा है ऊपर, और बाहर ज़ोरदार बारिश आ रही है अभी। तो इस व्लॉग में तीन चार वीडियो मिक्स करके बनाई गई है, क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश की और बिना बारिश की दोनों इसमें मिक्स कर गई है। आप देखते रहिए। चाचा जी आग तप साहब, आग आग आग। अच्छा जलर से अभी हम तलवाखली में हमारे बड़े भाई साहब भुहानदा के घर से ले रहे हैं दृश्य। ये भुहानदा के घर से लिया गया दृश्य, सामने ऊपर का नज़ारा है देखिए। ये तलवाखली है पूरी, ये हमारी बुआड़ी बाजार दर्शन का एक मैं अलग से ही वीडियो बना के डालूँगा, जो मेरे यूट्यूबर भाई लोगों को पसंद आएगा। फ़िलहाल ये प्रकाश भाई के माध्यम से शूट किया गया है। और ये भुहानदा का घर है, ये देखिए कितना सुंदर मकान बनाया है भुहानदा ने गांव में। उधर शंभू भाई का घर है। तो ये देखो यहाँ पर ये बीज के लिए रखी गई लौकी है, ये बीज के लिए रखी गई है देखो। सामने के नज़ारे देखो, और ये हमारी नारंगी भाभी जी है भुहानदा की वाइफ। तो देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बारिश आ रही है गांव में जा रही है, और ये अभी ये देखो क्या नज़ारे हैं। ये सामने का पूरा, ये हमारे ऊपर का खेती का एरिया है पूरा, ऊपर है गांव से ऊपर का दृश्य पूरा। इसमें मैं आपको एक एक करके जानकारी देता रहूँगा कहाँ क्या क्या है, कहाँ कैसे है। और वीडियो कैप्चरिंग हमारे प्रकाश भाई द्वारा की गई है। ये मेरे गांव का है, वो सामने कुछ चौन दिख रहा है वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने मेरा गांव है बवाड़ की चार। ये रोड से ली गई है वीडियो अभी, और उधर वे ये देखते हैं। ये ठीट है दोस्तों, जो मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में दिखाया है, इसे ठीट कहते हैं। और आगे देखो कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है आगे का, सामने देखो दूर दूर तक आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ी नज़र आएंगी। तो ये सुंदरता है उत्तराखंड की। और ये मेरे मानला क्षेत्र का एरिया है मेरा, बवाड़ी की चार सल्ट में आता है ये, कुमाऊँ मंडल के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये मैं रोड से दिखा रहे हैं सामने, ये देखो, ये देखिए बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है। ऊपर मानला डान है वो, ये बाजखेत की मार्केट है ऊपर, और सामने बाजखेत का गांव है ये देखो। तो आगे मैं आपको यहाँ से अपना प्राइमरी पाठशाला दिखाऊंगा। ये बुआड़ी बाजार का प्राइमरी पाठशाला है, इसका एक वीडियो पूरा बनाएंगे। सामने ये इंटर कॉलेज है बुआड़ी बाजार का, कन्हुआ की चार इंटर कॉलेज है। यहाँ मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा ली है अपनी, उसके बाद मैंने जनता इंटर कॉलेज घुमती में पढ़ाई करी है। तो ये सामने का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है गांव में, इंटर कॉलेज गांव में ही हो गया। पहले हम मानला या इंटर कॉलेज के लिए हमको घुमटी जाना होता था,
तो मेरी पढ़ाई जनरल इंटर कॉलेज गुमटी से हुई है इंटरमीडिएट की, और बाकी हाई स्कूल मैंने बॉर्डर की चार से ही किया है। उस समय हाई स्कूल था, अब इंटर कॉलेज हो गया बॉर्डर की चार, बहुत अच्छा है। तो आगे देखिए, ये कनमुंगा का गांव है, कनमुंगा जो ग्राम बॉर्डर की चार के अंतर्गत आता है, ग्राम सभा बॉर्डर की चार है इसकी, कनमुंगा ग्राम सभा है, कनमुंगा है और ग्राम सभा बॉर्डर की चार के अंतर्गत आता है ये भी। और वो सामने देखिए, बहुत दूर दूर तक मुझे दिखा रहे हैं कनमुंगा, और सामने का नज़ारा देखिए, वो देखिए कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ से दूर दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़ी नहीं। और यहाँ से आगे गढ़ा वाकली, ऊपर कनकोट होता है, ये नीचे कनमुंगा है, और सामने देखो उधर जोरासी है ऊपर सामने, वो दूर दूर तक दिख रहा है आपको। ये देखो कितने टॉप में है मालला, तो टॉप से नीचे को दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों जैसे मैंने कहा था, इस व्लॉग में तीन चार वीडियो को मिक्स किया जाएगा। तो देखो अभी बारिश का मौसम बन चुका है बाहर फिर से, और पहले भी मैंने दिखाया था कि गांव में बारिश आ रही थी, बीच में फिर मौसम ठीक रहा था एक दिन, और उसके बाद फिर बारिश का मौसम बन गया है। देखो बारिश आएगी, लगातार बारिश होगी मेरे को लग रहा है। उत्तराखंड तो अभी अलर्ट दे ही रखा है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है ऊपर को, मैं दिखा रहा हूँ ये आपको, ये मालला की तरफ का नज़ारा है ऊपर को, गाँव से लिया गया है जो अपने। तो मैं आपको बॉर्डर की चार दर्शन भी एक कराऊँगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसमें हमारे एक ताऊ जी हैं माधवानंद बलोदी जी, उनका भी इंटरव्यू आएगा, और एक चाचा जी पूर्णानंद जी हैं, उनका भी इंटरव्यू आएगा, तो वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने सोचा कि अभी आपको अपडेट दे दी जाए, आजकल क्या चल रहा है उत्तराखंड में, कैसा हो रहा है मौसम। ये देखिए पहाड़ों में आजकल बारिश का बहुत जोर शोर हो रहा है, बहुत अलर्ट है सरकार द्वारा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो बारिश फिर से लग गई है गांव में, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ये कैप्चरिंग करी गई है प्रकाश भाई द्वारा, धन्यवाद उनका बहुत बहुत। इतने ज़ोरदार बारिश हो रही है गांव में, ये देखिए। तो बैक टू पहाड़ आपका अपना चैनल है, आप भी अपने गांव के किसी भी मतलब किसी भी एक कोई भी अपने गाँव की कोई भी चीज़ आपको दिखानी हो, तो आप बैक टू पहाड़ को भेज सकते हैं, बैक टू पहाड़ आपका अपना चैनल है, और उसमें चाहे आप स्वतः खुद आप अपनी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो मैं भी आपके गांव के बारे में जानकारी भेज दीजिए, तो मैं भी उसमें बोल के बता सकता हूँ कि इस बारे में अभी बताया गया है। तो ये देखिए कितना अभी बाहर का मौसम कितना ज़ोरदार हो रहा है, और ये अभी बारिश दो दिन से लगातार हो रही है गाँव में, जो मैं बता रहा था कि बीच में एक दिन सही हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर बारिश लगातार लग गई है। तो गाँव में बहुत ज़बरदस्त मौसम है अभी, ये देखिए काफ़ी, ये देखिए क्या नज़ारे हैं। दोस्तों ये बारिश के बाद का हाल है, देखिए हमारे यहाँ पर ये जो नांदरी गधेरा है ये कितनी तेज़ आ रखा है, छोटी सी रिवर है, मतलब पानी जो पहाड़ियों से इकट्ठा होकर आता है गधेरा बन जाता है एक साथ इकट्ठा होकर, ये नांदरी गधेरा, यहाँ पर हम गाय भैंसों को पानी पिलाने लाते हैं। और आगे भानू भाई जा रहे थे, भानू भाई हमारे, वो रास्ते में उधर कहीं पर लैंडस्लाइड से एक पेड़ गिर गया है, वो भी आपको आगे दिखाया जाएगा। ये देखिए कितना पानी आ रहा है, ये रास्ते में पूरा पानी पानी हो रहा है अभी, देखिए ये नांदरी का एरिया है, आगे मंदिर आएगा उसके बाद फिर।
रास्ता साफ करते हुए भांदा, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो बारिश 3 दिन से लगातार है, जगह जगह से रास्ते टूट गए, रास्ते ब्लॉक हैं। धन्यवाद प्रकाश भाई, आपने बताया कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर मंदिर है और आगे बॉडी के चार दर्शन का मैं एक अलग ही ब्लॉग बनाऊंगा। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आपका अपना दीपू भाई, बैक टू पहाड़ से।